तो निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश के नगरीय और आवास विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन और नेतृत्व निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी और अन्य लोगों को लेकर चर्चा वो जरूर करेगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जितने भी निर्दलीय पार्षद या महापौर प्रत्याशी जीते हैं वो बीजेपी से ही थे, उन्हें उम्मीद है कि वो जीतने के बाद दोबारा पार्टी में जरूर लौटेंगे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जश्न न मनाए क्योंकि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सारे रिजल्ट्स अब साफ हो चुके हैं, बीजेपी ने बढ़त बनाई है लेकिन कम हो गई है सीटें, कहीं ना कहीं 16 नगर निगम से सीधा 9 नगर निगम। नहीं देखिए, जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ नगर निगम की बात कर रही है। आप कांग्रेस से पूछिए कि कितनी नगर पालिकाओं में कांग्रेस जीती है, कितनी नगर पंचायतों में कांग्रेस जीती है। कांग्रेस से ज़्यादा निर्दलीय जीते हैं। और मध्य प्रदेश में अब ये ट्रेंड भी सामने आ गया है कि लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस की अपेक्षा लोगों ने या तो आप पार्टी को प्राथमिकता दी है या फिर AIMIM को प्राथमिकता दी है और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। सर, ये 23 का सेमीफाइनल था, क्या कांग्रेस की जो सीट आई है कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर कांग्रेस देने वाली है या फिर जो आपने बताया कि सफाया हुआ है 23 में भी यही स्थिति रहेगी? नहीं, कहाँ टक्कर देगी, अभी तो ये तो बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ चुनाव था और इसमें पूरी तरह से साफ हो गई है। और कांग्रेस का जिस तरह से लगातार जनाधार कम हो रहा है उससे मुझे लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी रहेगी। लगातार कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, लगातार कांग्रेस छोड़कर लोग भाग रहे हैं, लगातार देश भर में कांग्रेस की पराजय हो रही है और इसलिए कांग्रेस चुनाव तक किस स्थिति में रहेगी ये कहना मुश्किल है। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद थे, जिनका कहना था कि जितने भी बागी जो हैं वो हो सके थे निर्दलीय थे, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और कांग्रेस का पूरा सफाया यहाँ पर 23 के चुनाव में होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल।